ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 27 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, तो बच्चों के लिए यह कहानी बहुत ही कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने महिमा की महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा, जिसको पतित पावन सुखकर्ता दुखहर्ता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है, बच्चे जानते हैं। सुख देने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, सभी मनुष्य मात्र उसको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं बाबा आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में कहेंगे, अलग भाषाओं में कहेंगे और अलग भावना से कहते रहते हैं। ए गॉड, ओ गॉड, हे भगवान, हे अल्लाह, अलग नाम से पुकारेंगे, लेकिन हर एक का यही हेतु रहता है कि बाबा आकर के हमें दुखों से लिबरेट करें। परंतु ये नहीं जानती कि बाबा सुख देते हैं, फिर दुख कौन देता है और कब देता है ये भी तुम समझते हो। कौन देता है दुख? रावण। कब देता है? कब देने के लिए चालू किया रावण ने दुख? द्वापर युग से। तो हम बच्चे जानते हैं, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, तो उनको दुख धाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है, मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसको दुख नहीं देते, बाप तो सदा ही सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का भी जन्म स्थान भारत ही है। रावण का भी जन्म स्थान भारत ही है। भारतवासी शिव जयंती मनाते परंतु समझते कुछ भी नहीं। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। यह किसको भी पता नहीं पड़ता कि रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वह क्या चीज है कोई भी नहीं जानते हैं। क्यों जलाते हैं कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्होंने को यह पता होना ही नहीं है। बाबा समझाते हैं हर एक का पाठ अलग अलग है। मनुष्य का पाठ ही गाया जाता है, मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य मनुष्य का पाठ, इस समय के मनुष्य बेसमझ बन पड़े हैं। कलयुगी मनुष्य बेसमझ बन पड़े हैं, ये जानते नहीं कि सुखकर्ता दुखहर्ता पतित पावन कौन है, पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग, शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई भी सदगति का मार्ग, सदगति का ज्ञान नहीं है। कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरु सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतोप्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है, अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है, उनको सतो रज तमो में आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। कल डॉक्टर एक आए थे, बोल रहे थे आपका कोई कर्म कांड यहाँ दिखाई नहीं देता है,
हाँ है ही नहीं, भक्ति पूरी हुई। अभी ये क्या है? ज्ञान मार्ग है, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर परमपिता शिव परमात्मा है। वही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा करप है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्होंने कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज़ कोई निकलती है तो फैलती जरूर है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं, सबको पता पड़ जाएगा। हाँ, ये भी ज्ञान फैलेगा बाहर, और बाहर सबके पास जाएगा विदेश में। फिर वह नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते, ये तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। दुनिया में तो अनेक मत है, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है, पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, बाबा कहते बाप का बाद में सुनेंगे, समझेंगे बरोबर। हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, सबकी बुद्धि का, घर वाले हो बाहर वाले हो। बाबा ने ये बात कह दी है। अभी ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में नहीं आ सकते और धर्म वाले। हाँ, जो हमारे धर्म के और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं वो अवश्य आते रहेंगे। वो ये मायना नहीं रखेंगे कि नहीं भाई हम तो इस धर्म के हैं, ये क्यों करें, नहीं। उनको ऐसे लगेगा कि ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, परमात्मा ही धरती पर आ चुके हैं। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े आएगा। यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, कौन सा? कल्पवृक्ष अपना। सृष्टि चक्र तो अलग है ना, वैसे तो ज्ञान तो वही है, लेकिन बाबा कहते हैं कि और धर्म का जो भी ज्ञान है वो कहाँ है? कल्पवृक्ष में है। और जन्मों का 84 जन्मों का सीढ़ी में है, बरोबर। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें झाड़ से बुद्धि में आएंगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेगी, यह बना बनाया नाटक है, बाकी योग की बात तुम ही समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो, जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना ही पता पड़ जाएगा। रचिता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है, अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली है, यह भी ड्रामा में नूंद है। और ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी देखने के लिए जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। भक्ति में तो बहुत ठोकरे खाए, फिर भी अभी भी जाते हैं देखने के लिए। चलो भाई देख के आते हैं बाबा का घर, हाँ कैसे बना हुआ है, कैसे भगत, हाँ ठीक है देखने के लिए भर जाए, एक बार जाए, बार 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 क्यों जाए, क्यों जरूरत ही नहीं है, एक बार देख लिया ठीक है भाई। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बढ़ के झाड़ का मिसाल इनके ऊपर है, सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है।
बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थूर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। बड़ा सा झाड़, दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगर सूख जाते हैं, क्योंकि थूर बिगर पानी कैसे मिले, थूर को या रूट को पानी तो चाहिए ना। परंतु यह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है, यह वंडर है ना। वैसे इस झाड़ में देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते नहीं, देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे हैं, तो नाम बदल हिंदू रख दिया है। देवताओं के जड़ चित्र निशानी जाकर के रही हुई है, जिसे समझाते हैं स्वर्ग में उन्होंका राज्य था, परंतु वह कब स्वर्ग था ये कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है, जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होता है, वही फ्यूचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी है आप बाबा जानी जाननहार है। बाबा कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ जानूंगा। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, आपको बताने की क्या जरूरत है। बाबा कहते नहीं, बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, खिलाना। खिलाते हैं कि नहीं बाबा को, या नहीं भोग खिलाते हैं ना। हम विकार में जाते हैं, आप तो सब जानते होंगे। बाबा कहते मैं सारा दिन बैठ ये जानता हूँ क्या, मेरा ये धंधा है, आप क्या कर रहे हो। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्तिधाम में चले जाएंगे। कैसे, बाबा कहते मैं सारा दिन बैठ यही धंधा करूँगा क्या, पतितों को पावन बनाने मैं आया हूँ। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्तिधाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, जैसे जाने जाएंगे वैसे जाएंगे, बाबा तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। घर वाले हो, मेहमान हो, हमारे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, लेकिन बाबा कहते सबको जरूर जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम दूसरे के बात में क्यों जाते हो। हाँ, दुसऱ्यांचं कसं करायचं बाबा, काय करायचं घर वाल्यांचं, बाद मी बघून घेतो म्हणतात बाबा। घर वाल्यांना कसं पवित्र बनवायचं, कसं शुद्ध करायचं, घेऊन जायचं, माझं मी बघतो, काळजी करू नकोस, तू तुझी काळजी कर। हां, स्वतःला सत्वप्रधान बनाने की भी पूर्णा होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, पण आम्हाला दुसऱ्यांची दांडगी चिंता। हां, यांचं कसं व्हायचं। तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनाने वाला एक ही बाप है, भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते। भक्ति अलग चीज़ है, बाबा खुद ही समझाते, मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों एक कर देते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, उनके कर्तव्य अलग है, उनका रहने का स्थान अलग है, उनसे रिलेशन अलग है दोनों का, बाप और बेटा है वो, शंकर बेटा है और शिव उसका बाप है, फिर भी दोनों को एक कर दिया। देखो शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है और शिव परमधाम निवासी है, दोनों के स्थान अलग अलग है, फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं। शिव बाबा है निराकारी और शंकर है आकारी, ऐसे थोड़े कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाबा समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है। शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर नहीं कहते, उनको तो गले में सांप डाल शक्कर ही कैसे बना दी है। और शंकर का स्थान इस दुनिया में देखो स्मशान भूमि बताते लोग, क्योंकि उसका काम विनाश है,
तो शरीर का विनाश हुआ, इसलिए उसका स्थान स्मशान भूमि। और शंकर की आरती भी स्मशान भूमि में करते हैं। जब कोई मरता है तो उसकी आरती शंकर की स्मशान भूमि, मैंने सुनी है, शंकर की पूजा भी वहीं पर करेंगे। लेकिन स्मशान भूमि में थोड़ी है, अच्छा हर एक का अपना अपना रीति रिवाज है। क्या क्या किया उसको, गले में सांप डाल शक्ल ऐसी बना दी, फिर बैल पर सवारी दिखाते। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते आंख खोली तो विनाश हो गया, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही होते हैं। वो पैदाइश यहाँ की है, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं ये भी समझते ही हम पतित हैं। बाबा कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ, साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए। तो शंकर भी साधना कर रहे हैं, वो भी शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं। तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहना सकते हैं, शिव को तो साधना करने की दरकार नहीं है, उनका तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या, जंगल में जाने की तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बाबा कितनी बातें सुंदर बता रहे हैं, उनका तो अच्छा सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, भगवान को यह वेश धारण करना पड़ता है क्या, वह तो है ही पतित पावन, कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार, हाँ सदगति तो एक ही बाप से होती है, शास्त्रों से नहीं, हर एक अपना अपना पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते समझते नहीं, ड्रामा अनुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई वह भी कोई नहीं जानते, तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर, गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। अभी यह धर्मशास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ कोई नहीं जानते, गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा, हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते यह भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते हैं, 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पाठ बजाने आते हैं तब अंत में बाप आते हैं, किस लिए, सबको ले जाने के लिए। अभी पाठ पूरा हुआ, चलो बच्चे अभी, इसलिए उनको कहा जाता है पति तो पावन सर्व का सदगति दाता। वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदिमत ज्ञान अंत का ज्ञान सुनाते, अब बाप बैठ पढ़ाते, यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है, नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे, 2500 वर्ष यह पाठ बजाना ही है, यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते हैं, न पावन से पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं। देखो सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, मूर्तियां बनाएंगे खेलते रहेंगे, तुमको कहेंगे तुम तो भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ है, तुम बोलो ये बेहद का बाप कहते हैं, हम नहीं कहते बेसमझ भारतवासी है, शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं, हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है आपका, बाहर गए खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद, तुम अब बने हो राम के मुरीद, तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं,
बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, समस्त रूह है आधा कल्प। तुम देह अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख होता है। कितना फर्क है, तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई भी धर्म नहीं था, अभी कितने मनुष्य है, अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन। वापस घर चलना है, दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। किसी कौन सी बातें बताए ना बाबा ने, और धर्म वाले कब आएंगे, कैसे सब नीचे ऊपर जाएंगे, क्या होगा, नहीं जाना है उसमें। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है, आज का वरदान है। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव वरदान। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से जो बंद हुई आंखें हैं वे खुल जाएंगी। ऐसे साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग। कल सुबह से 7 बजे से 9 बजे तक हमारे बम्बई के कुलाबा सेंटर के इंचार्ज आदरणीय गायत्री दीदी जी का क्लास रहेगा, 4 दिन क्लास रहेगा। सभी भाई बहनों को सादर निमंत्रण है। ओम शांति।